हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन पाइप एंड क्वेश्चन टू होने जा रहा है, जहां हम राकेश यादव बुक से दोस्तों एडवांस लेवल करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 19 है। प्रीवियस सेशन में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर। एक नल ए है वो 20 आवर में टंकी को भर देता है। बी इन 25 आवर, जो नल बी है वो 25 घंटा में भर देता है। एंड टैप सी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 30 आवर। और जो टैप सी है वो खाली करने वाला जो क्या करता है, भरी हुई टंकी को 30 घंटा में खाली कर देता है। स्टार्टिंग विथ ए, अब कंडीशन दिया हुआ है, स्टार्टिंग विथ ए शुरुआत कौन करता है, तो टैप ए स्टार्ट करता है। फॉलोड बाई बी एंड सी, इस टैप ओपन्स अल्टरनेटली, यानी सभी अब क्या है अल्टरनेटेड में, यानी एक घंटा ए करेगा, फिर एक घंटा बी करेगा, फिर एक घंटा सी करेगा। क्वेश्चन के मुताबिक दिया हुआ, स्टार्टिंग विथ ए फॉलोड बाई बी एंड सी, इच टैप ओपन्स अल्टरनेटली फॉर 1 आवर। तो हर टैप क्या होता है, एक एक घंटा के लिए ओपन किया जाता है। टिल द टैंक गेट फिल्ड अप कंप्लीटली, कब तक इस प्रकार होता रहता है, जब तक हमारा टंकी भर ना जाए तब तक हम लोग एक नल को खोलेंगे, एक नल को बंद करेंगे, फिर एक नल को खोलेंगे, एक नल को बंद करेंगे, एक एक घंटा पे। इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली, तो पूछ रहा है कितने घंटा में हमारा टंकी वो भर जाएगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो काफी इजी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं, किस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले नल ए है, तो भरने वाला नल ए है, तो ए प्लस, बी प्लस और सी माइनस। ए कितना ले रहा है दोस्तों, तो ए आपको ले रहा है नल ए 20 घंटा, 25 घंटा बी, 25 घंटा, और सी खाली करने वाला है वो 30 घंटा ले रहा है, 30। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, टैंक का कैपेसिटी पता करेंगे। तो टैंक का कैपेसिटी कैसे पता करते हैं, तो समय का एलसीएम लेते हैं। तो समय का एलसीएम क्या होगा, 20 25 30 का, तो 300, यानी 300 हमारा टैंक का कैपेसिटी हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया कितना का, तो 300 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इफिशियंसी निकालना होगा। इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 300 बटा 20, यानी कितना हो जाएगा हमारा 15, 300 बटा 25 कितना हो जाएगा हमारा 12, और 300 बटा में 30 कितना हो जाएगा 10। तो माइनस 10 लिखेंगे क्योंकि खाली करने वाला है, प्लस 12 और प्लस 15। प्लस क्यों, क्योंकि दर्शाने के लिए कि भरने वाला पाइप है, तो नल है, प्लस 12 और प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हर घंटा एक स्टार्टिंग विथ ए क्या हो रहा है, हमारा नल बंद कर दिया जा रहा है, तो कितने देर में टंकी भर जाएगा। यानी पहला घंटा कौन काम कर रहा है, तो पहला घंटा ए काम कर रहा है। दूसरा घंटा कौन काम कर रहा है, दूसरा घंटा नल बी काम कर रहा है। तीसरा घंटा कौन काम कर रहा है, तीसरा घंटा सी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब फिर चौथा घंटा कौन काम कर रहा है, फिर चौथा घंटा ए काम करेगा। फिर पांचवा घंटा कौन करेगा, तो फिर बी करेगा। फिर छठा घंटा कौन करेगा, तो सी करेगा। हम लोग क्या फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हर 3 घंटा में क्या हो रहा है, काम है जो रिपीट हो रहा है। देखिए ABC, यानी हर 3 घंटा में काम रिपीट हो रहा है। तो 3 घंटा में काम कितना होता है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स 3 घंटा में कितना काम हो रहा है, तो 15 प्लस 12 27, और 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा 17। यानी 3 घंटा में दोस्तों 17 काम हो रहा है, 17। फ्रेंड्स 3 आवर में कितना यूनिट हुआ, तो 3 आवर में 17 यूनिट हमारा टंकी भर चुका है। कितना यूनिट भरना है, तो 300 यूनिट। तो 17 यूनिट है उसका ऐसा मत पर लेंगे कि 300 आ जाए या 300 से कम आए। तो 17 × 17 कितना होता है, 289। तो 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया हमारा 17 17 14 51। यानी 51 घंटा में दोस्तों कितना यूनिट हमारा टंकी भर चुका है, तो 51 घंटा में 289 टंकी भर चुका है दोस्तों, 79 यूनिट। अब 92 आवर में कौन काम करेगा, तो 92 आवर में एक काम करेगा जो ए है, जो 15 यूनिट टंकी भरता है एक घंटा में। लेकिन आपको भरना कितना है, तो भरना है केवल 289 तो हो गया, अब कितना भरना है, तो 11 यूनिट और भरना है ताकि 300 हो जाए। यानी 51 घंटा टोटल हो जाएगा आपका, और जो 52 घंटा में एक करेगा काम, उसमें कितना यूनिट काम करेगा ए, तो ए को करना, ए तो करता है 15 यूनिट एक घंटा में, लेकिन करना कितना है, तो सिर्फ 11 यूनिट करना है, यानी 11/15। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 51 होल 11/15 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 51 होल 11/15 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कितना आंसर दिया हुआ है। तो आंसर आपका दिया हुआ है 51 होल 11/15। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ पे डेज नहीं क्योंकि आवर में सब न है आवर, ठीक है। तो 51 होल 11/15 आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ वन पाइप ए कैन फिल द टैंकी 20 मिनट, एक पाइप है जो ए वो क्या करता है 20 घंटा में टंकी को भर देता है। देन फाइव पाइप ईच ऑफ 20% इफिशियंट ऑफ ए कैन फिल द टैंक इन। तो पूछ रहा है यदि उसी तरीके का पांच पाइप जो 20% इफिशियंट है, किससे, तो पाइप ए है उससे 20% इफिशियंट है, तो कैन फिल द टैंक इन। तो पूछ रहा है कि टैंक कितना देर में भर जाएगा। दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप किस फॉर्मूला पर अप्लाएंगे, तो MDH जो फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, इसी फॉर्मूला में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मेनली MDH फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 E1 divided by W1 equal to M2 D2 H2 E2 divided by W2। यानी फ्रेंड्स यहाँ M की जगह क्या रखना है, आपको नंबर ऑफ पाइप रखना है, D की जगह डेज रखना है, H की जगह आवर रखना है, E की जगह इफिशियंसी रखना है, और W1 की जगह क्या रखना है, कार्य रखना है। यानी कितना कार्य कर रहा है, वही कार्य कर रहा होगा तो W1 क्या होगा, 1 ले लेंगे, और W2 भी क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं कि इस जो MDH कॉन्सेप्ट है इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो दिया हुआ क्या, इफ वन पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट, एक पाइप है तो M1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो कितना मिनट में भरता है, तो 20 मिनट में भरता है, 20 यानी 1 हो गया इंटू 20। यहाँ D और H क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ D और H आपका मिनट में यानी दिया हुआ है, यानी D का भी काम हो गया, H का भी काम हो गया, ठीक है। तो कितना मिनट में, 1 into 20 हो गया। W1 क्या लें, तो 1 लें क्योंकि एक काम कर रहा है 1। अब क्या बोल रहा है, इफिशियंसी, दोस्तों इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि इफिशियंसी का आगे चर्चा है कि 5 पाइप ईच ऑफ 20% इफिशियंट ऑफ ए। यानी हम फ्रेंड्स इसका इफिशियंसी हम लोग 100 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो E1 आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, 100 हो गया, M1 एक पाइप A1 हो गया, और मिनट जो शो कर रहा है टाइम को वो क्या हो गया, 20 हो गया, यानी 1 into 20 into 100/1, ठीक है, इक्वल टू, अब इक्वल टू करना है M2 में क्या लेना है कि कितना पाइप है, तो पांच पाइप है, तो पांच पाइप लिख लीजिए। जो राइट हैंड साइड होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने का काम करते हैं, इसी का आंसर आता है, तो पाँच हो गया, और कितना देर में निकलेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 20% 5 हो गया, M2 हो गया, और 20% 100 का 100 इफिशियंसी हो, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 हो जाएगा, तो 5 into 20, और W2 कितना है हमारा, तो W2 हमारा 1 है, तो 1 लिख लीजिए क्योंकि एक ही काम कर रहा है। और निकालना क्या है, टाइम निकालना है, यहाँ टाइम लिख लीजिए, बस आपको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, 100 और 5 × 20 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया टाइम, टाइम हमारा आ गया 20 आ गया, यानी टाइम कितना आ गया दोस्तों, टाइम हमारा 20 आ गया, यानी 20 मिनट में दोस्तों पांच जो पाइप है, पांच जो नल है, क्या है, पांच पाइप है जो 20% इफिशियंट है ए का, वो क्या करेगा 20 मिनट में भर देगा टंकी को, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, 20 मिनट हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8, एन इनलेट पाइप, एक भरने वाला पाइप है, कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 36 आवर। एक जो भरने वाला पाइप है वो 5 घंटा में टंकी को भर देता है, और एक आउटलेट पाइप है जो खाली करने वाला पाइप है वो क्या करता है 36 घंटा में टंकी को खाली कर देता है। हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू बी ओपन। तो पूछ रहा है कितने एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप, खाली करने वाले पाइप को कितने और बढ़ाएं, सो दैट द टैंक नेवर फ्लो आउट। तो हमारा टंकी अंतिम तक, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन से इसको सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है कि कितना बढ़ाएं कि हमारा टंकी है जो खाली होने से बच जाए, हल्का सा बच जाए, यानी टंकी हमारा खाली होना नहीं स्टार्ट हो, ये पूछ रहा है। तो टैंक नेवर फिल्ड आउट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इनलेट पाइप है ए मान लेते हैं, और आउटलेट पाइप है इसको बी मानते हैं। इनलेट कितना ले रहा है दोस्तों, तो 5 घंटा ले रहा है, और आउटलेट कितना ले रहा है, तो 36 घंटा खाली करने में ले रहा है, तो प्लस और माइनस। सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी टोटल वर्क कितना हो गया, 180 हो गया, 5 और 36 कैल्शियम। उसके बाद दोस्तों इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना लेंगे हम लोग, तो टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 180/5 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 180/36 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जो
इनलेट पाइप ए है वो 36 मिनट हर घंटा में भर रहा है और आउटलेट पाइप बी है वो हर घंटा 5 मिनट टंकी खाली कर रहा है। तो यही पूछ रहा है दोस्तों कि जो कितना बढ़ाएं आउटलेट पाइप को कि जो हमारा टंकी है वो खत्म खाली होने से बच जाए। यानी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, जो मैक्सिमम 36 से हल्का सा कम रहेगा, यानी 36 यहाँ पे है, यहाँ एक घंटा में 5 मिनट टंकी भर रहा है, यानी आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, यानी मैक्सिमम जो रहे ऑप्शन में वो आपका आंसर होगा। तो 5 या 15, 5 6 30, 5 8 5 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी -40 हो जाएगा, 5 7 35, यानी अगर 7 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, यानी कहने का अर्थ है कि 7 नंबर ऑफ आउटलेट पाइप है, यानी एक आउटलेट पाइप 5 मिनट टंकी खाली कर रहा है, 7 आउटलेट पाइप कितना खड़ेगा तो 35 मिनट खाली करेगा, और यहाँ इनलेट पाइप कितना है तो 36 मिनट भर रहा है, आउटलेट पाइप खाली करेगा 35 मिनट, यानी बच जाएगा, खाली होने से टंकी में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ आउटलेट पाइप लें कि हमारा जो टंकी है, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बी ओपन सो दैट टैंक नेवर फ्लोज आउट, हमारी टंकी कभी खाली ना हो जाए, कितना नंबर ऑफ हम लोग पाइप लेके हमारी टंकी कभी खाली ना हो जाए। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इसलिए दोस्तों 7 जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 पाइप लेंगे आउटलेट तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना था, मैक्सिमम लेना था, तो 36 प्लस 36 है, यहाँ मैक्सिमम रखिए कि आपका 36 से कम आए। तो हम लोग देख रहे हैं 5 7 35, यानी 30 प्लस 36 -35, यानी +1 आ गया, मैक्सिमम कितना होगा तो 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 8 आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए हम क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारा दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और टैंक हैज़ 2 इनलेट पाइप, एक टैंक के पास 2 इनलेट पाइप एंड भरने वाले पाइप है, विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक, जो खाली हुई टंकी को 12 घंटा 12 आवर एंड 15 आवर वर्किंग एलोन, यानी 12 और 15 घंटा में क्या करता है, खाली हुई टंकी को भर देता है। एंड आउटलेट पाइप विच कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर वर्किंग एलोन, और एक आउटलेट पाइप वो क्या करता है 8 घंटा में खाली कर देगा आपका, ठीक है। द इनलेट पाइप आर के, अब कंडीशन दिया हुआ है, द इनलेट पाइप आर केप्ट ओपन फॉर ऑल द टाइम, जो 2 इनलेट पाइप है वो क्या होता है हमेशा के लिए ओपन हुआ है। बट द आउटलेट पाइप वॉज ओपन आफ्टर 2 आवर फॉर 1 आवर, तो लिखा हुआ है कि जो इनलेट पाइप वो हमेशा चालू रहता है, लेकिन जो आउटलेट पाइप होता है हर 2 घंटा पे 1 घंटा के लिए चालू होता है। अगेन क्लोज फॉर 2 आवर एंड देन वंस अगेन ओपन फॉर 1 आवर, ठीक है। दिस पैटर्न ऑफ आउटलेट पाइप कंटिन्यू टिल द टैंक गोट कम्प्लीटली फिल, यह पैटर्न तब तक रहेगा जब तक हमारा टंकी भर ना जाए। इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक कैन बी फिल्ड वर्किंग ऑन गिवन पैटर्न, तो पूछ रहा है कि इस तरह का कब तक चालू रहेगा, कब हमारा टंकी भर जाएगा, हमें निकालना है, यानी टाइम निकालना है कि हमारा टंकी इस पैटर्न पे कब तक भर जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 पाइप है भरने वाला और एक पाइप खाली होने वाला, तो ए कितना ले रहा है, तो ए ले रहा है +12 +15 और -8, ठीक है। सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी 12 15 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 120 हो गया। अब दोस्तों इफिशियंसी लीजिए, इफिशियंसी कितना होगा हमारा टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 180/20 यानी +8 होगा, 180/15 कितना होगा +8 होगा, और यहाँ कितना था ए है जो 12 ले रहा है ना, तो 15 हो जाएगा +15 180/12 यानी +15 180/15 यानी +8 और 180/8 कितना हो जाएगा, तो 15 6 90 प्लस यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ +15। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, ए है जो 12 घंटा ले रहा है, बी 15 घंटा, सी 8 घंटा, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया 120 हो गया। अब हम लोग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क टाइम यानी 120/12 यानी +10, 120/15 +8, 120/8 यानी -15 होगा, क्योंकि खाली होने वाला है तो माइनस ले लीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो इनलेट पाइप है वो हमेशा खाली रहता है, हमेशा ओपन रहता है, तो ए प्लस बी हमेशा ओपन रहेगा। हर 2 घंटा में क्या होता है दोस्तों कि तीसरा जो पाइप है आउटलेट पाइप वो स्टार्ट हो जाता है 1 घंटा के लिए, यानी 2 घंटा के लिए ए प्लस बी, फिर क्या होता है अब तीनों स्टार्ट हो जाएगा, कितना घंटा के लिए तो 1 घंटा के लिए। यहाँ समझ रहे हैं, जो इनलेट पाइप है वो हमेशा चालू रहता है, तो ए प्लस बी तो इनलेट पाइप है हमेशा चालू रहेगा, लेकिन हर 2 घंटा पे जो आउटलेट पाइप सी है वो चालू रहता है,
एक घंटा के लिए, तो ए प्लस बी दो घंटा के लिए, फिर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इनलेट पाइप तो चालू ही रहेगा लेकिन सी भी चालू होता है एक घंटा के लिए, इतना। यानी फ्रेंड्स जो हम लोग देख रहे हैं कि दो एक तीन, तीन घंटा में हमारा काम क्या होगा दोस्तों, हर तीन घंटा में उतना ही काम होगा, यानी हर तीन घंटा में क्या होगा हमारा टंकी है जो उतना ही भरेगा। तो तीन घंटा में कितना टंकी भरा ये हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए है जो एक घंटा में 10 और बी एक घंटा में 8, यानी कितना हो गया 18 × 36, यानी 36 हो गया यहाँ पे, और प्लस में, और तीनों मिल के 10 + 18, 18 - 15 यानी +3, यानी 36 + 3 कितना हो गया 39, यानी तीन घंटा में आपका दोस्तों 39 यूनिट टंकी भर चुका है। अब हमें कितना भरना है, 120 भरना है, यानी 39 का औसत मल्टीपल जो डायरेक्ट 120 आ जाए या 120 से कम आ जाए, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 39 चौक कितना होता है, तो 39 चौक 9 चौक 36, 6 × 3 = 12, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 3 = 27, 7 × 2 = 3, 9 = 10, 11, यानी 117 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 9 घंटा में दोस्तों हमारा टंकी है जो 117 यूनिट भर जाएगा, कितना भर जाएगा, 9 × 3 = 27, 7 × 2 = 3, 9 = 11, 117 यूनिट भर जाएगा, कितना भरना है, तो 120 यूनिट भरना है। यानी दोस्तों 9 घंटा में, अब 10वें घंटा में किसका बारी होगा, 10वें घंटा में ए प्लस बी का दोनों का बारी होगा, किसका बारी होगा, तो ए प्लस बी का बारी होगा, तो ए प्लस बी दोनों एक घंटा में कितना भरते हैं, तो 18 यूनिट भरते हैं टंकी, कितना भरते हैं, तो 10 और 8 18 यूनिट टंकी भरेंगे एक घंटा में, लेकिन भरना कितना है, तो भरना हमें सिर्फ 3 भरना है, यानी 9 घंटा तो पूरा हो जाएगा लेकिन 10वें घंटा ए और बी को भरना है, क्योंकि काम करते हैं दोनों मिलके, तो अब कितना भरना है, तो 3 यूनिट टंकी भरना है, लेकिन भरते हैं कितना 18, यानी 9 घंटा पूरा और 3/18 आपका क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, यानी 9 आवर 3/18 आपका आंसर हो गया। तो आंसर में कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 9 होल 3/18 को कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी 9 आवर 10 मिनट आपका दोस्तों आंसर हो गया, कितना आ गया, तो 9 आवर 10 मिनट आपका आंसर हो गया, 9 आवर 10 मिनट आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर में दिया हुआ, कितना दिया हुआ 9 आवर 10 मिनट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एक बार और देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर 20 आवर रिस्पेक्टिवली, दो पाइप है जो 15 घंटा और 20 घंटा क्या करता है, भर देता है टंकी को, व्हाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 30 आवर, जो तीसरा पाइप है वो 30 घंटा में क्या करता है, खाली करता है टंकी को। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, यानी सभी पाइप एक साथ स्टार्ट हो, द एम्प्टी टैंक विल फिल्ड इन, तो पूछ रहा है कि हमारा तो खाली हुई टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन ये तो है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तीन पाइप है ए बी और सी खाली करने वाला, ए कितना देर में भर रहा है टंकी को, तो ए 15 देर में भर रहा है 15 घंटा में, बी 20 घंटा में और सी 30 घंटा में खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी, टैंक का कैपेसिटी कैसे पता करते हैं, तो समय का एलसीएम लेकर पता करते हैं, 15 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 180, यानी टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया 180 हो गया। अब इफिशियंसी पता करेंगे, तो इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 180/15 यानी कितना हो गया हमारा 12 + 12 और 180/20 कितना हो जाएगा +9 और 180/30 यानी कितना हो जाएगा हमारा -6। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, अब पूछ रहा है कि तीनों पाइप मिलके टंकी कितना देर में भर देंगे हमें निकालना है, यानी तीनों पाइप का क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि टंकी हमारा कितना देर में भर जाएगा, तो ए प्लस प्लस बी प्लस और सी माइनस का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 12 × 9 = 21, 21 - 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 हो जाएगा +15। ठीक है, अब फ्रेंड्स टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, तो टाइम किसका पूछ रहा है, तीनों पाइप का पूछ रहा है कितना देर में टंकी भर देगा, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 180 है, तो 180 लिख दीजिए और इफिशियंसी कितना है हमारा, तो 15 है +15, यानी भरने वाला निशान है यानी +15 है, तो 180/15 कितना हो जाएगा हमारा, यानी 12 घंटा में, यानी 12 घंटा में दोस्तों हमारी टंकी है जो पूरी तरीके से तीनों पाइप के द्वारा भर जाएगा, कितना आंसर हो गया दोस्तों, तो 12 घंटा आपका आंसर हो गया, 12 घंटा कितना हो गया, 12 घंटा आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, हमारे सेशन आपको पसंद पड़ा हो ऐसा उम्मीद करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब भी कोई वीडियो नया अपलोड करें हम लोग तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। अरे फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद पड़ा हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।